मन बाबू चलो जा क्या बात है अरे भालू खबर अच्छे भालू खबर रजनी को दर्द उठी अच्छा इसलिए तो हम लेने आए अरे अच्छा ठीक है ये लोग अभी चले जाएंगे अपन चलते हैं ठीक है क्या बात है गौरमोहन बाबू खुशखबरी है क्या हाँ महाराज मेरी पत्नी को दर्द उठा है अच्छा तुम्हारा पुत्र कृष्ण का भक्त होगा पुत्र तुम्हारा पुत्र कृष्ण का भक्त होगा बधाई हो बधाई हो मैं सोच रहा था गोपाल रखें आप तो हमारे बुजुर्ग हैं आप ही मुझे लगता है कि नंदोत्सव हाँ। के दिन पैदा हुआ है तो इसका नाम नंद दुलाल होना चाहिए वाह 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 दादाजी ये तो बहुत ही अच्छा नाम है दादा कैसा लगा आपको ये नाम अच्छा है मगर मैं इसका नाम अभय चरण रखूंगा अभय चरण अभय चरण बहुत अच्छा नाम है अभय चरण अभय चरण अभय क्या बात है पंडित जी बालक का जन्म समय तो ठीक लिखा है ना ठीक लिखा है ना हाँ समय तो बिल्कुल ठीक है पंडित जी ऐसी जन्म कुंडली तो मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी मैंने तो क्या मेरे बाप दादा ने भी नहीं देखी होगी क्या बात है आश्चर्य आश्चर्य ऐसी जन्म कुंडली मैं पहली बार देख रहा बालक के भाग्य में संन्यास है संन्यास किंतु ये बालक इस युग का एक निराला सन्यासी होगा क्योंकि इस सन्यासी के पास मान सम्मान धन संपत्ति सब कुछ होगा ये कैसे संभव है पंडित जी यही बात तो मुझे आश्चर्य में डाल देती है ये बालक अपनी सात पुत्रों का नाम रोशन करेगा हाँ वाह हरिओम हरिओम 70 साल की आयु में ये 7 समंदर पार जाएगा अपने धर्म का प्रचार करेगा धन्य है ये बालक धन्य है 11 वर्ष की अवधि में 108 मंदिरों का निर्माण करेगा 108 अरे अरे क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ अरे क्या हुआ अरे अरे नहीं नहीं इसमें नहीं चढ़ना ये रथ बेटा ये रथ इतना भारी है कि तुमसे हिलेगा भी नहीं इसको खींचने के लिए बहुत सारे लोगों की जरूरत होती है मुझे रथ चाहिए अब है ये भगवान जी का रथ है ये यही रहता है चलो अम्मा सुना पापा घर चलेंगे चलो अब है घर चलो मैं अपने हाथों से तुम्हें ऐसा रथ बना के दूंगा इसको अपन ऐसे लगाते ऐसे ये या ये हो गया तुम लोगों का रथ तैयार मैं रथ तैयार हो गया जल्दी आओ हाँ आ रही हूँ अभी आ रही हूँ
इनको यहाँ रख देते हैं, इनको यहाँ और इनको यहाँ। चलो अब लेके जाओ। खेचो खेचो। जय जगन्नाथ स्वामी, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। हरे राम, हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, हरे महाराज, राम राम हरे हरे। क्यों आए हो? कारण तो आप जानते हैं महाराज। मैं कुछ नहीं जानता। महाराज आप कृष्ण से आज्ञा लेने वाले थे, क्या कहा कृष्ण ने? हाँ वो भूल गया। कोई बात नहीं, आप पूछ लीजिए, मैं प्रतीक्षा करूंगा। पूछ लिया। क्या कहा कृष्ण ने? कृष्ण ने कहा मैं तुम्हारे गुरु बनने योग्य नहीं हूं, जाओ तुम दूसरे गुरु की तलाश करो, जाओ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। कह दिया ना, जाओ तुम। नहीं महाराज, मैं अपने शव को अपने कंधे पर नहीं ले जा सकता, अब यहां से मेरा जीवित लौटना मुश्किल है। बाबा ऐसा अन्याय मुझ पे मत कीजिए, अगर मैं कृष्ण भक्ति के मार्ग पर नहीं चल सका तो ये मेरा जीवन बेकार है, मिटा दूंगा इस जीवन को, खत्म कर दूंगा। बाबा मेरे मन की पीड़ा को आप भी जानते हैं और कृष्ण भी, फिर भी नहीं जाने क्यों आप मुझे अपना शिष्य नहीं बनाना चाहते। अगर कोई कमी है मुझ में तो बताइए, मैं उस कमी को पूर्ण करने में अपना सारा जीवन लगा दूंगा। आप ही ने कहा है कि मैं वेद शास्त्र का विद्वान हूं, लेकिन बिना गुरु के मेरी विद्या समंदर के पानी की तरह है, जो किसी की प्यास नहीं बुझा सकता। सब कुछ होकर भी अधूरा हूं मैं, कृष्ण भक्ति में लीन होना चाहता हूं, चाहता हूं कि मेरा रोम रोम कृष्ण की महिमा गाए। कृष्णा 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 कृष्णा। उठो विमल प्रसाद, उठो। तुमने अपने हृदय की बची कुछ मोह माया को इन आंसुओं से धो डाला है, इन आंसुओं से तुम्हारा हृदय निर्मल हो चुका है। अब श्री कृष्ण भगवान के मार्ग पर चलने से तुम्हें कोई रोक नहीं सकता, स्वयं श्री कृष्ण भगवान तुम्हारे साथ है। जाओ स्नान करके आओ, जाओ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। ॐ भूर्भुवः स्वः, ॐ तस्य पितुर्वरेण्यः, ॐ भर्गो देवस्य धीमहि, ॐ धियो यो न प्रचोदयात्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम
हरे राम, राम राम, हरे हरे कृष्ण। आज फिर जला हुआ भात खाना पड़ेगा गुरुदेव को। हरे राम, दोबारा तो वो कभी पकाते नहीं। राम राम, हरे हरे, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। गुरुदेव, अचानक चुप कैसे हो गए आप? आप तो महीनों से इस मंत्र का लगातार जाप कर रहे थे। मैंने इस महामंत्र का जाप 100 करोड़ बार करने की प्रतिज्ञा की थी, सो आज पूरी हुई। अब मेरा दूसरा महत्वपूर्ण कार्य शुरू करने का समय आ गया है। कौन सा कार्य गुरु महाराज? हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार और भागवत भक्ति का प्रशिक्षण सभी मनुष्यों को देने का कार्य, ताकि हरेक को, चाहे वो किसी भी धर्म, देश, जाति का हो, भगवान नाम संकीर्तन के द्वारा भगवान का प्रेम पात्र बनने का अवसर मिल सके। हरेर नाम, हरेर नाम, हरेर नामेव केवलम, कलो नास्तेव नास्तेव, नास्तेव गतिरन्यथा, कलयुग एक ही नाम धारा। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे राम, हरे राम। तुम बहुत व्याकुल और चिंतित नजर आ रहे हो। हाँ गुरुदेव, गुरुदेव चैतन्य महाप्रभु की वाणी को मैं कैसे पूर्ण कर पाऊंगा? बाबूजी ने इस कार्य का आरंभ किया था, पर वो चले गए और आप भी मुझे छोड़कर चले गए। गुरुदेव, मैं अकेला ये सब कैसे कर पाऊंगा? तुम अकेले नहीं, श्री कृष्ण तुम्हारे साथ है। तुम्हारे बाबूजी भक्ति विनोद ठाकुर तुम्हारे साथ है, हम तुम्हारे साथ है, श्री चैतन्य महाप्रभु तुम्हारे साथ है। फिर तुम अकेले कहाँ हो? परंतु तुम्हें एक कार्य करना होगा। आज्ञा गुरुदेव। तुम्हें संसार को त्यागना होगा, तुम्हें सन्यासी बनना होगा। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। गुरुदेव, आप साक्षी हैं सन्यास के,
जीवन के सर्वाधिक सुख क्षण के आप साक्षी हैं गुरुदेव, तपस्या के प्रचार के इस निर्णय के। आपने कृष्ण भक्ति का वरदान दिया, सार्थक किया ये जीवन। आपके चरणों की धूल के सहारे कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार करता रहूं, बस ये आशीर्वाद दीजिए गुरुदेव। अच्छा चलता हूँ मैं। अरे रुकिए, इतनी जल्दी भी क्या? नहीं नहीं, मुझे जाकर अपने गुरुदेव भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज से जरूरी बातें करनी। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज? क्यों, कल तक तो तुम भक्ति विनोद ठाकुर के लड़के विमल प्रसाद को गुरु मानते थे, नहीं? तुम्हें पता नहीं है क्या, विमल प्रसाद जी ने संन्यास ले लिया है और अब उनका नाम भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज? हाँ। यानी विमल प्रसाद? हाँ। बड़े चर्चे सुने आजकल उनके? कैसे चर्चे? सुना है उन्होंने गुरु के तस्वीर के सामने बैठकर सन्यास ले लिया, ये कौन सा नया तरीका निकाला है उन्होंने? गुरु के किए पर प्रश्न करना हमारी परंपरा नहीं है। चलता हूं मैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दंडवत गुरुदेव। दासोस्ती। कैसे हो परमानंद, कुछ कहना चाहते हो? हाँ, मुझसे लोगों की बातें सही नहीं जाती, पता नहीं क्या क्या कहते रहते हैं आपके बारे में। यही ना कि विमल प्रसाद ने गुरु की तस्वीर के सामने बैठकर खुद ही संन्यास ले लिया और वो मुझे मान्यता नहीं देते। हाँ, और ये भी कहते हैं कि ऐसा ना कभी सुना ना देखा। देखी सुनी बातें ही तो लोगों की समझ में आती, जो उन्हें दिखता नहीं वो भी समझ आ जाए तो फिर बात ही क्या है। ये क्रोध की नहीं दया की बात है। पर आप तो परमहंस, आपने व्यर्थ ही संन्यास लिया। आपको तो बाबा जी का वेश धारण करना चाहिए था, उनका बाना अपनाना चाहिए था। बाबा जी के बाने में एकांत भजन से सिर्फ अपना भला हो सकता है, पर मेरी रुचि स्वांत सुखाय में नहीं जन हिताय में। पर उसके लिए इस वेश की क्या आवश्यकता है गुरु महाराज? वेश तो मिशन की जिम्मेदारी के प्रति हर पल सचेत रहने की अनुभूति है और संन्यास वर्णाश्रम का आखिरी पड़ाव। अपने व्यवहार से ही भक्त भक्तों के हृदय में प्रवेश कर सकता है। और बाबा जी का बाना वो क्या है? बाबा जी का बाना हम जैसे साधारण लोगों के लिए नहीं है, वो तो रूपक गोस्वामी, भक्ति विनोद ठाकुर और मेरे गुरुदेव जैसे परम हंसों के लिए है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम। कुछ कहना चाहते हो कृष्ण किंकर? जी श्रीला प्रभुपाद, कहो। ढाका से एक अशुभ संदेश आया है। अशुभ संदेश क्या है जी? वो गोस्वामी महाराज अस्वस्थ होने के कारण कार्यक्रम में भाग न ले सके, इसी कारण परमेश्वर ब्रह्मचारी को उनके स्थान पर जाना पड़ा। उन्होंने अपने भाषण में वहां के साधुओं के प्रति बुरा भला कह दिया और वहां पर बैठे श्रोताओं ने क्रोध में आकर सारे पंडाल को तहस नहस कर दिया। क्यों, परमेश्वर ब्रह्मचारी ने ऐसा क्या कह दिया? उन्होंने वहां के साधु संतों को झूठा और धोखेबाज कह दिया। वहां पर बैठे हुए श्रोताओं से कह दिया कि इन लोगों को कोई आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है,
ये तो सिर्फ जनता को लूट रहे हैं। लोगों की आध्यात्मिकता बढ़ाने के बजाय वो धन बटोरने में लगे हैं। वाह वाह, परमेश्वर ब्रह्मचारी ने तो मेरे लिए लाखों रुपए का प्रचार कर दिया। ये तो शुभ संदेश है, तुम इसे अशुभ कहते हो। पर श्रीला प्रभुपाद, अब ढाका के लोग इससे क्रोधित हैं। वहां पर प्रचार करना असंभव है। ये तो उनका दुर्भाग्य है, सत्य से मुंह मोड़ रहे हैं। इस सत्य में उन्हीं का लाभ है और प्रसन्न होने के बजाय वे क्रोधित हो रहे हैं। प्रचार करने वाला तो एक डॉक्टर की तरह होता है, वो आध्यात्मिक रोगियों का उपचार करता है। और जब कोई ये देखता है कि रोगी का उपचार करने वाला डॉक्टर है ही नहीं, तो उसका सबसे पहला कर्तव्य है कि वो रोगी को सावधान करे, उसे बता दे कि उसकी दवा ही उसके रोगों का उपचार नहीं है। प्रचार करने वाला कोई अभिनेता नहीं, वो तो आध्यात्मिक शल्यकार है। अरे जब वो काटेगा, पीड़ा तो होगी ही। रोगी को ये पीड़ा सहन करना आवश्यक है, क्योंकि ये पीड़ा उसी के लाभ के लिए ही है। जाओ, जाकर परमेश्वर को एक पत्र लिखो कि हम उसके प्रचार से अति प्रसन्न हुए। जाओ। नमस्कार मैनेजर बाबू। अरे नरेन, आओ बैठो। तो काम हो गया? काम का क्या है, चलता ही रहता है। कहो क्या बात है। तुम मेरे साथ आ सकते हो? कहाँ? मैं तुम्हें किसी से मिलाना चाहता हूँ। अच्छा, लो। किससे? एक बहुत ही महान हस्ती से। मैं और रुपेन उनसे मिल चुके हैं। कौन है ये? भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, एक साधु है। ना बाबा ना, मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं किसी साधु वादु से मिलना नहीं चाहता। अभय, तुम इस मामले में हमसे ज्यादा जानते हो। मैं जिनकी बात कर रहा हूँ वो मामूली साधु नहीं है, बहुत बड़े विद्वान हैं। मायापुर से आए हैं और यही करीब उल्टा डंगा में रहते हैं। चलो ना अभय। अच्छा ठीक है, लेकिन सिर्फ 5 मिनट के लिए। हाँ ठीक है बाबा, 5 मिनट के लिए ही सही, पर चलो। तो ठीक है चलो। घोष बाबू, हाँ मैं अभी आता हूँ। श्री चैतन्य महाप्रभु और उनके भक्त जैसे सर्वोत्तम हितकारी न थे, न हैं और न कभी आएंगे। दुनियादारी में मनुष्य को जो लाभ दिखाई देता है वो मनुष्य के लिए हानिकारक भी हो सकता है, परंतु श्री चैतन्य महाप्रभु और उनके भक्तों से जो लाभ हमें प्राप्त हुआ वो मनुष्य के नित्य कल्याण के लिए ही है। और ये लाभ केवल एक देश या एक जाति के लिए ही नहीं है, बल्कि ये सारे जगत के लिए हितकारी है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु की वाणी का प्रचार करना हम सबका परम कर्तव्य है। तुम पढ़े लिखे हो, तुम श्री चैतन्य महाप्रभु की वाणी का प्रचार क्यों नहीं करते? जी मैं? हाँ तुम, जाओ दुनिया के कोने कोने में प्रचार करो, यही तुम्हारा परम कर्तव्य है। जी मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन आज के इस वातावरण में हमें सुनेगा कौन, जबकि देश का बच्चा बूढ़ा जवान हर कोई देश को आजाद कराने में लगा हुआ है। तुम ठीक कहते हो, देश को स्वतंत्र कराना भी एक कर्तव्य है, किंतु ये परम कर्तव्य नहीं। तुम क्या समझते हो, अंग्रेजों से स्वतंत्रता पाकर तुम स्वतंत्र हो जाओगे? राज करने वाले बदल जाएंगे, किंतु राजनीति नहीं बदलेगी। मैं जिस स्वतंत्रता की बात कर रहा हूं वो राजनीतिक सीमाओं के बंधन से मुक्त है। इस भौतिक जगत की हर चीज अस्थाई है, केवल कृष्ण भक्ति ही नित्य सत्य है। मनुष्य का बनाया हुआ राजनीतिक नियम कभी भी मनुष्य के लिए लाभकारी नहीं हो सकता, ये वैदिक शास्त्र और गुरु शिष्य परंपरा का अभिनिर्णय है। और जब मनुष्य अपने नाशवान भौतिक शरीर और जन्मभूमि को ही पूज्य समझने लगता है, तब वो मिथ्या धारणा में खो जाता है। और इस संसार का हर नेता उसे इस मिथ्या धारणा से बाहर आने ही नहीं देता। मनुष्य तो क्या, हर जीव का स्वरूप केवल नित्य कृष्ण दास का है। इसलिए मनुष्य का परम कर्तव्य है कि वो इस बात को समझे
और औरों को समझाए। कृष्ण भक्ति को भारतीय राजनीतिक परिवर्तन के लिए प्रतीक्षा की आवश्यकता नहीं। कृष्ण भक्ति का प्रचार इतना आवश्यक है कि यह किसी के लिए रुक नहीं सकता। इसलिए तुम्हारे जैसे पढ़े लिखे युवक को इस बात को समझना और औरों को समझाना बहुत ही आवश्यक है। अच्छा, अब इस सभा को हम यही समाप्त करते हैं। हरे कृष्ण। अब आप लोग मेरे साथ बोलिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। क्यों अभय, कुछ समझ में आया? हाँ, श्री चैतन्य महाप्रभु की वाणी बिल्कुल सही हाथों में है। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अब तो उन्हें जाकर मिलना ही होगा। और मैं तो कहता हूँ नरेन कि ये सब ये वाह, अपने ही अपनों को मार रहे हैं। तुम क्या समझते हो, अंग्रेजों से स्वतंत्रता पाकर तुम स्वतंत्र हो जाओगे? राज करने वाले बदल जाएंगे किंतु राजनीति नहीं बदलेगी। मैं जिस स्वतंत्रता की बात कर रहा हूँ वो राजनीतिक सीमाओं के बंधन से मुक्त है। कृष्ण भक्ति को भारतीय राजनीतिक परिवर्तन के लिए प्रतीक्षा की आवश्यकता नहीं। कृष्ण भक्ति का प्रचार इतना आवश्यक है कि यह किसी के लिए रुक नहीं सकता। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे नमस्कार, राम नमस्कार राम राम नमस्कार हरे नमस्कार। कहिए, अब मैं आपके गुरु महाराज से मिलने आया हूँ। क्षमा करना, आप देर से आए। गुरु महाराज तो आज सुबह ही जगन्नाथपुरी को प्रयाण कर चुके हैं। ओह, वो दो हफ्ते के बाद वापस लौटेंगे। आइए जी, हरे कृष्ण बैठिए जी, मैं प्रसाद लेकर आता हूँ जी। अच्छा, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण प्रसाद लीजिए जी। आपके गुरु महाराज बहुत ज्ञानी हैं। कल मैं उनकी बातों से बहुत प्रभावित हुआ, इसलिए आज उनसे मिलने चला आया। हाँ, मेरे गुरु महाराज केवल ज्ञानी ही नहीं, वे नम्र विशाल हृदय और दयावान भी हैं। और वे श्री चैतन्य महाप्रभु की वाणी के प्रचार के लिए दृढ़ निश्चय हैं। और उन्हीं की प्रार्थना से श्री जगन्नाथ जी ने मेरे गुरु महाराज को उनके घर में पैदा किया ताकि इस कार्य को आगे बढ़ाया जा सके। मैंने सुना है कि उनके पिताजी डिप्टी मैजिस्ट्रेट थे। हाँ हाँ, ठीक सुना है तुमने। और वास्तव में उनका नाम था केदारनाथ दत्त, जो बाद में कृष्ण गुरु से दीक्षा लेकर श्री भक्ति विनोद ठाकुर बन गए।
आजकल ऐसे बहुत ही कम पढ़े लिखे व्यक्ति मिलते हैं जो वैष्णव धारा विचार को अपनाते हैं। इस अंग्रेजी शिक्षा के कारण ही ये लोग अपनी संस्कृति से घृणा करने लगे हैं। लेकिन श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर केवल वैष्णव ही नहीं बने, परंतु अंधविश्वास से पैदा होने वाले भ्रम को दूर करके वैष्णव विचारधारा को स्थायी करने का प्रयत्न किया। वैदिक विचारधारा के महत्व को स्थापित करने के लिए उन्होंने सारे विरोधियों से एक बहादुर योद्धा की तरह युद्ध किया। इसी कार्य को हमारे गुरुदेव आगे बढ़ा रहे हैं। सन 1911 की बात है। बाबा, आपकी शारीरिक दशा ठीक नहीं है, आप कहां जाने की तैयारी कर रहे हैं? शारीरिक दशा ठीक तो नहीं है, लेकिन ब्राह्मण सभा में जाना बड़ा आवश्यक है। नहीं बाबा, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा। विमल प्रसाद, ब्राह्मण सभा का यह निमंत्रण सिर्फ एक निमंत्रण नहीं, मेरे लिए एक ललकार भी है, क्योंकि आज निर्णय करना है कि वैष्णव और ब्राह्मणों में सर्वोत्तम कौन है। इसीलिए मेरी पराजय के लिए ब्राह्मणों ने वहां बड़े बड़े विद्वानों को जमा किया है। अगर मैं वहां नहीं गया तो वो लोग समझेंगे कि भक्ति विनोद ठाकुर कायर है, पराजय के भय से नहीं आया। मेरा जाना बहुत आवश्यक है विमल प्रसाद, मैं जाऊंगा। नहीं बाबा, यदि जाना इतना ही आवश्यक है तो मैं जाऊंगा। तुम? क्यों बाबा, आपको मुझ पर विश्वास नहीं? हाँ बेटा, विश्वास तो है, पर वहां बाबा, गुरु महाराज और आपके आशीर्वाद से मैं श्री चैतन्य महाप्रभु के गॉड वैष्णव संप्रदाय को सर्वोत्तम साबित करने के लिए सारे संसार के विद्वानों का सामना कर सकता हूं। बस केवल आप आशीर्वाद दीजिए। तो जाओ बेटा, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। विजय भव। नमस्कार। नमस्कार, आप अकेले? भक्ति विनोद ठाकुर कहाँ है? बाबा अस्वस्थ है, उन्होंने मुझे यहाँ भेजा है। अस्वस्थ है? क्यों, क्या हुआ उन्हें? कोई विशेष नहीं, सारे अतिथि आ गए। हाँ, लेकिन ये सुनकर उन्हें बड़ी निराशा होगी विमल बाबू कि भक्ति विनोद ठाकुर नहीं आए। हरी इच्छा, आप आसन ग्रहण कीजिए। कुछ सुना तुमने? भक्ति विनोद ठाकुर नहीं आए हैं, उनके स्थान पर उनका लड़का आया हुआ है। यही एक अड़चन थी जो हट गई। अरे अड़चन कैसी, वे तो भय से नहीं आए हैं। देखो कैसे बड़े बड़े विद्वान लोग बैठे हुए हैं। भक्ति विनोद ठाकुर भी किसी से कम नहीं, वैदिक शास्त्र का इतना ज्ञान है कि अच्छे अच्छे घुटने टेक देते हैं। भाई वो आते तो बड़ा मजा आता। चलो इन्हीं को सुन लेते हैं। चलो विराजिए।
सज्जनों, अब सभा आरंभ हो रही है। माननीय सज्जनों, धन्यवाद। आप लोगों ने जो यहां आने का कष्ट किया है उसके लिए हमारी सभा आप लोगों की आभारी है। सज्जनों, आप तो जानते हैं कि सभा का आयोजन ब्राह्मण और वैष्णवों के बीच मतभेद को दूर करने के लिए किया गया है, और इस सभा के मुख्य वक्ता श्री भक्ति विनोद ठाकुर अस्वस्थ होने के कारण नहीं आ सके, परंतु उनके स्थान पर उनके पुत्र श्री विमल प्रसाद पधारे हैं, और अब इस सभा का प्रारंभ मैं उन्हीं से करता हूं। विमल बाबू पधारिए। नमस्कार। मेरे पिताजी श्री भक्ति विनोद ठाकुर के अस्वस्थ हो जाने के कारण ही मैं यहां उपस्थित हुआ हूं, और आशा करता हूं कि आप सब लोग मुझे स्वीकार करेंगे। भारतवर्ष की उत्तरी दिशा में हिमालय की चोटी से लेकर दक्षिण की कन्याकुमारी तक जो ये पवित्र भूमि है वो आध्यात्मिक विकास के लिए सर्वोत्तम है, और इस आध्यात्मिक विकास के जो मार्गदर्शी हैं वही ब्राह्मण कहलाते हैं। महाभारत में तो लिखा है कि धरती के मनुष्य तो क्या, सर्वलोक के देवता भी इन्हें प्रणाम करते हैं। ब्राह्मण तो अग्नि समान होते हैं, उनमें इतनी शक्ति होती है कि अगर वो चाहे तो पृथ्वी को भी जलाकर राख कर सकते हैं। उनके क्रोध के तेज के कारण ही समुद्र का जल नमकीन हो गया, जिसे हम पी नहीं सकते। ब्राह्मण हमारे लिए अनुबंधक देवतत्व है। ब्राह्मण की दया से ही देवता स्वर्ग में निवास करते हैं। ब्राह्मण के मुख से निकली बात कभी व्यर्थ नहीं होती। ब्राह्मण की प्रसन्नता से ही देवता प्रसन्न होते हैं। ब्राह्मण की स्थिति भौतिक जगत के परम उच्च स्थान पर है। इसमें कोई शंका नहीं कि ब्राह्मण सत्कर्मी है, और भौतिक दृष्टि से मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ है, परंतु उससे भी उच्च श्रेणी वैष्णव की दिव्य स्थिति है, क्योंकि वैष्णव भौतिक जगत की विधि से मुक्त है। वो जीवन मरण के बंधन से स्वतंत्र है, और स्वतंत्रता का वास्तविक अर्थ है विष्णु की सेवा में आत्मसमर्पण करना। परंतु जो अपने आप को परमेश्वर के चरण कमलों में समर्पित कर देता है वो भौतिक प्रकृति के प्रभाव से मुक्त हो जाता है, इसलिए उसका स्थान सत्कर्मियों से भी सर्वोच्च है, और ऐसी दुर्लभ आत्माएं ही वैष्णव कहलाती हैं। भौतिक जगत के लोग चाहे सत्कर्मी हो पर इस बात को समझ नहीं सकते, लेकिन यह सत्य है कि मनुष्य चाहे कितना ही सत्कर्मी हो, जब तक अपने आप को परमेश्वर के चरण कमलों में समर्पित नहीं कर देता तब तक वह उस दिव्य स्थान को प्राप्त नहीं कर सकता जिसे एक वैष्णव प्राप्त करता है, क्योंकि वैष्णव तो परमेश्वर के चरण कमलों में ही समर्पित है। आप तो रोने लगे। मुझे मेरे जीवन का लक्ष्य मिल गया है। आज से श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ही मेरे गुरु महाराज हैं। अब मैं अपने गुरु महाराज के मार्ग पर चलकर
अपना सारा जीवन श्री चैतन्य महाप्रभु की वाणी के प्रचार करने में बिता दूंगा। हरे कृष्ण। अपने आने की खबर आपने पहले क्यों नहीं दी? आपको यहाँ लाने के लिए हम किसी को स्टेशन भेज देते। दरअसल मैं दिल्ली जा रहा था, पर जब गाड़ी मथुरा स्टेशन पर रुकी तो मैं उतर गया और यहाँ आ गया। केवल आप ही ऐसा कर सकते हैं अभय बाबू। आइए, मैं आपका कहीं रहने का इंतजाम करता हूँ। नहाने और प्रसाद ग्रहण करने के बाद मैं आपको श्रील प्रभुपाद जी से मिलवाऊंगा, वे आपको देखकर अति प्रसन्न होंगे। ओह, क्या मैं उनसे अभी मिल सकता हूँ? आपकी अधीरता से मैं आपकी विनती मानने के लिए विवश हो रहा हूँ। दासोस्मी, मैं आपका दास हूँ। श्रील प्रभुपाद जी, ये है अभय बाबू, इलाहाबाद से आए हैं। हाँ, मैं इन्हें जानता हूँ। आपको देखकर आनंद हुआ अभय, आप थक गए होंगे। जाइए, आप नहाकर प्रसाद लीजिए, बाद में बातें करेंगे। जब मैंने आपको पहली बार देखा 10 साल पहले, तब आपने मेरा अंधकार दूर कर मेरा हृदय सर्वोच्च ज्ञान से ओतप्रोत कर दिया। तब से मैंने आपको अपना परमार्थ गुरु माना। पूरे विश्व में चैतन्य महाप्रभु को संदेश फैलाने का कार्य आपने मुझे सौंपा, लेकिन 10 अनमोल वर्ष बीत गए, मेरे हाथ से आपका कोई भी कार्य नहीं हुआ। मैं आपके लिए अनुपयोगी रहा, बताइए मैं क्या करूं, आपकी सेवा कैसे करूं? चिंता मत कीजिए अभयचरण, योग्य समय आने पर श्री कृष्ण ही आपसे अपने कार्य सिद्ध करवा लेंगे। ये तो आपकी कृपा का फल है श्रील प्रभुपाद जी। आपकी दया से मैं थोड़ा कुछ कर सका। श्री चैतन्य महाप्रभु का संकीर्तन लक्ष्य जब पूरे विश्व भर में हर गांव हर शहर में फैल जाएगा, तब आप उसमें समर्पित हो जाइए। उसे पूर्ण करने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु आपको अपनी कृपा दृष्टि अर्पित करेंगे। ये तो आपकी कृपा का फल है श्रील प्रभुपाद जी। इस भौतिक जगत से बाहर निकालकर आप मुझे अपना शिष्य स्वीकार कर मुझ पर दया कीजिए। हाँ, मैंने पहले से निश्चित किया है आपको दीक्षा देने का, आने वाले पूर्णिमा को इलाहाबाद में। अब जाकर विश्राम कीजिए, आप थक गए होंगे। जब आकाश में एक ही पूर्ण चंद्र हो तो इतने सारे तारों की क्या आवश्यकता? श्री चैतन्य महाप्रभु के संदेश का प्रसार क्यों नहीं करते? मैंने अपने जीवन का अंतिम लक्ष्य पा लिया है। आज से श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर मेरे आध्यात्मिक गुरु हैं। चिंता मत करो अभयचरण, योग्य समय आने पर कृष्ण ही आपसे अपने महत्वपूर्ण कार्य सिद्ध करवा लेंगे। सभी जीवित गण केवल मनुष्य गणी नहीं कृष्ण के सेवक हैं। ध्यान से सुनिए, कान खोल दीजिए ताकि आप स्पष्ट रूप से देख सकें। कृष्ण भक्ति का उपदेश इतना महत्वपूर्ण है कि वह किसी चीज के लिए रुकेगा नहीं। जाओ, संदेश का प्रसार करो पूरे विश्व भर में, यही अपना मूल कर्तव्य है। हाँ, मैं जानता हूं, आपको देखकर आनंद हुआ अभय। ओम सम नो मित्र सम वरुणः
सामनो भवत अर्यमा सामनेन्द्रो बृहस्पतिः सामनो विष्णुरुक्रमा नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायुर् त्वमेव ललिता श्रीविशाखपितांश्च स्वाहा पञ्चकल्पतरोभ्यश्च कृपासिन्धोभ्यैव च पतितानां भावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः स्वाहा नम ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वतीति नामिने स्वाहा। आपका अब से नाम हुआ अभय चरणारविंददास। इसका अर्थ है जिसने निर्भयता से परमेश्वर की कृपा प्राप्त करने में परमेश्वर के चरण कमलों में आश्रय लिया है। बच्चों, ये वृंदावन है, धार्मिक स्थानों में सर्वश्रेष्ठ। स्वर्ग लोक का वो भौतिक रूप जिसे तुम स्वयं देख रहे हो। लेकिन बाबा, आपने मुझे कहा था कि ये धरती पारस पत्थर से बनी और यहाँ के सारे वृक्ष कल्प वृक्ष हैं तथा सभी गायें सुर भी हैं। हाँ बाबा, बाबा देखो मोर। हाँ, वो श्री कृष्ण को बहुत प्यारे होते हैं, इसीलिए श्री कृष्ण अपने शीश पर मोर के पंख धारण करते हैं। सभी वृक्ष कल्प वृक्ष होते हैं। हाँ बाबा, क्या मैं इनसे कुछ मांगू तो ये वृक्ष मेरी इच्छा पूर्ण करेंगे? हाँ, लेकिन केवल कृष्ण भक्ति मांगू। ये गोवर्धन पहाड़ी है, हमें इसे आदरांजलि देनी चाहिए। राधा कुंड पर उनका इकट्ठा होना और हमारा राधा कुंड पर इकट्ठा होना, उसमें बहुत अंतर है। श्रील प्रभुपाद जी, क्या अंतर है? साधारण लोग श्री कृष्ण को पूछते हैं क्योंकि वह परम योगेश्वर ऐसा एक व्यक्तित्व है, परंतु हम सब पूजा करते हैं श्रीमती राधा रानी की। हम कृष्ण को चाहते हैं क्योंकि राधा रानी उनसे प्रेम करती है। अभय, अभय चरणारविंद, कब आए तुम? बस अभी मुझे पता चला कि आप यहाँ पधारे हैं तो आपके दर्शनों के लिए आ गया। इतना लंबा रेल का सफर तय कर आप थक गए होंगे, जाइए स्नान कीजिए, तैयार होकर प्रसाद ग्रहण कीजिए। श्रील प्रभुपाद जी, मुझे अपने साथ रहने दीजिए, मुझे कोई थकान नहीं है। अच्छा, यदि आपको ऐसा लगता है तो हाँ, आप हमारे साथ रहिए। और व्यापार कैसे चल रहा है? इस समय अच्छा नहीं चल रहा है। अच्छा, यदि आप व्यापार में अपना ध्यान नहीं लगाएंगे तो ठीक तरह से कैसे चलेगा? आखिर इस जगत में सब लोगों को सिर्फ पैसा प्यारा है, हर कोई उसे छीन कर अधिकार जमाना चाहता है और उसे छोड़ना नहीं चाहता। यदि आप एक सफल व्यापारी बनना चाहते हैं तो आपको सीखना होगा पैसा कैसे छीना जाता है। मैं उस काम में माहिर नहीं हूं श्रील प्रभुपाद जी। ऐसे हो सकता था यदि आप पैसे से प्यार करते, लेकिन आपने कृष्ण की भक्ति की है इसलिए आपको उसमें लगाव नहीं है।
आप भीतर आइए, मुझे कुछ कहना है। इनके बच्चों की देखभाल करो और उन्हें कुछ प्रसाद दो। जी हाँ प्रभुपाद जी। बैठ जाइए। श्री चैतन्य महाप्रभु चाहते हैं कि संपूर्ण जगत को श्री कृष्ण भक्ति से आलोकित कर दें। जगत पिता ब्रह्मा का एक दिन जो कलयुग कहलाता है, और इस कलयुग में जहां सभी लोग अपने पतन के मार्ग पर चल रहे हैं, ऐसे काल में उचित समय देखकर स्वर्ग से भगवान श्री कृष्ण राधा रानी को स्वर्गीय खजाना देने आते हैं, जो इस युग में सुनना या जानना किसी को बिल्कुल संभव नहीं है। वे सर्वेश्वर है, सर्वोच्च स्थान है। स्वर्गीय ज्ञान वे उसे ही देते हैं जिसे वे देना चाहते हैं। वे जगत नियंता है, इसलिए विश्व का निर्माण भी उनके द्वारा हुआ है, लेकिन भक्तों द्वारा कृष्ण का संदेश प्रसार करना चाहते हैं, क्योंकि उसका श्रेय स्वयं न लेकर अपने भक्तों को देना चाहते हैं। कृष्ण भक्ति के प्रचार की योजना श्री चैतन्य महाप्रभु ने बनाई थी, श्री भक्ति विनोद ठाकुर के कारण उजागर हुई थी। वे चाहते थे कि यह प्रचार मेरे सहयोग से हो, लेकिन मैं अपना अधिक योगदान न दे सका। क्यों स्वामी जी, आपने कितना कुछ पाया है। आपकी ही आस्था के कारण श्री चैतन्य महाप्रभु का संदेश संपूर्ण भारत में फैला है। इस देश में आपने 64 देवालयों की स्थापना की है। आपके ही अथक प्रयास से हजारों लोगों ने कृष्ण भक्ति को अपनाया है। लेकिन मेरा यह कार्य सागर के समक्ष एक शूद्र बुंद के समान है। श्री चैतन्य महाप्रभु की कृष्ण भक्ति की गंगा संपूर्ण जगत के हर शहर हर गांव में पहुंचनी चाहिए। मैं अब यहां और नहीं ठहर सकता। मैं इस प्रचार कार्य के भविष्य के लिए बहुत चिंतित हूं। जिस दिन मैं जाऊंगा मठ में अशांति हो जाएगी। श्रील प्रभुपाद जी, कृपया आप ऐसा ना कहें। हम तो ये चाहते कि आप हमारे साथ अधिक से अधिक समय बिताएं। अभय चरण, इस भौतिक संसार में हमेशा रहने के लिए कोई नहीं आया है। आज नहीं तो कल सभी को इसे त्यागना है, और इस धरती पर का मेरे अस्तित्व का अंत समीप आ गया है। इसलिए यह प्रचार कार्य को आपको ही आगे बढ़ाना है। श्री प्रभुपाद जी, कृपया मुझे बताइए कि मैं प्रचार कार्य के लिए क्या कर सकता हूं। श्री चैतन्य महाप्रभु का संदेश जगत के प्रत्येक शहर और प्रत्येक गांव में पहुंचा दो। नाम यश और पद के प्रलोभन में न भटको। दूसरों के लाभ के लिए कृष्ण भक्ति को साधारण रूप से हमेशा हमेशा फैला दो। अपने पवित्र नाम के साथ वे सर्वेश्वर श्री कृष्ण इस युग में प्रकट हुए हैं, इसे हमेशा याद रखो और सबको याद दिलाओ। इसलिए सर्वस्वी रूप से उसी पवित्र नाम पर निर्भर रहो और हरेक को उसी नाम जाप के लिए प्रेरित करो। हाँ स्वामी जी, आपकी आज्ञा ही मेरा जीवन है, सर्वस्व है। किताबें लिखो और उन्हें वितरित करो। दर्शन का प्रचार करने के लिए किताबें ही सबसे प्रभावी मार्ग है। जब भी तुम्हें पैसे मिले, किताबें मुद्रित करो, किताबें छापो। Absolute sentient thou has proved, in personal calamity thou has moved. This gives us a life, a new and fresh. Worship thy feet, your divine grace. Had you not come who had told the message of Krishna, forceful and bold? That's your right, you have the mace. Save me a fallen, your divine grace. The line of service as drawn by you is pleasing and healthy like morning dew. The oldest of all but a new dress, miracle done, your divine grace. बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। भक्ति सुधाकर, इसे द हार्मोनिस के अगले संस्करण में छाप दो।
भविष्य में जब भी अभय चरणारविंद दास कुछ भी लिखें, उसे पत्रिका में छाप देना। श्रील प्रभुपाद, यह बहुत ही उत्तम होगा। वैसे भी हमेशा पत्रिका के लिए अच्छा विषय मिलना कठिन होता है, और ऐसा ज्ञानी मनुष्य हमेशा लिखे, ये हमारे लिए वरदान ही सिद्ध होगा। हाँ, आप उन्हें लिखें और कहें कि मैं हमारी पत्रिका के लिए उनका नियमित सहभाग चाहता हूं। हाँ श्रील प्रभुपाद जी, हमें ऐसा प्रयत्न करना चाहिए कि श्री कृष्ण की अनुभूति सभी को हो, चाहे किसी भी राह से। हम जो भी करें वो सर्वोत्तम हो। हमारे जो ग्रंथ हैं वो भारतीय दर्शन के वाहन हैं। इस विश्व के लिए हमारे पास महत्वपूर्ण संदेश हैं, और यह हमारा कर्तव्य है कि हम उन्हें वो अच्छे ढंग से बताएं। श्रील प्रभुपाद जी, आपके विचारों को फैलाने के लिए आपने हमें तैयार किया है। अब यह जिम्मेदारी हम पर है कि आपके विचारों को जगत में फैलाएं। हाँ, जो शिष्य गुरु से प्राप्त ज्ञान को केवल अपने पास न रखकर उसका प्रचार करता है, वही धर्म को प्राप्त करता है। ऐसा शिष्य ही अपने गुरु के स्वप्न को पूर्ण करता है। अभयचरण देर से जरूर आए हैं, परंतु वे बहुत कुछ पाएंगे। यह अच्छा होगा यदि वे हमारे मुंबई के केंद्र के अध्यक्ष बन जाएं। नहीं, अभी नहीं, अभी उन्हें रहने दो। उन्हें प्रबंधन के कार्य में यहां मत घसीटो। नियत समय पर वे सभी कार्य कर लेंगे। पूर्णतया उत्साहवर्धक जो आपने सिद्ध किया, विपदाओं से हमें उत्साह से बचाने वाले। मनसा देह गेह जो किछु मोर, अर्पिलु द्वापदे नंद किशोर। मेरा शरीर, मेरा मन, मेरे पास जो कुछ है, मैंने तुझे अर्पण कर दिया कृष्ण, हे नंद महाराज के पुत्र। इस धरती से विदा लेने का मेरा समय आ गया। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, तुम्हारा सारा जीवन चैतन्य महाप्रभु के प्रचार कार्य में समर्पित कर दो। अच्छा समय जल्द ही आने वाला है। बहुत जल्द ही सारा संसार कृष्ण प्रेम से आलोकित होने वाला है। इसलिए इस अवसर का लाभ उठाकर उनके प्रचार कार्य में अपने आप को समर्पित कर दो। अपने आप को संगठित करो, सत्य का दामन कभी न छोड़ो। एकत्र होकर, एकता से रहकर, बिना किसी भय से, बिना संकोच से श्री रूप गोस्वामी और श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, इनके विचार लोगों तक पहुंचाओ। मेरे शिष्यगणों, श्री चैतन्य महाप्रभु के विचारों को बिना किसी भय से संपूर्ण समाज को बताने में पूर्णतया समर्पित हो जाओ। कोई भजन सुनाएगा, रूप मंजरी पर से मोर संपद, श्री रूप मंजरी पर से मोर संपद, से मोर भजन पूजा।
प्रभु को
तमो